हमार वेन स्पॉन्सर्ड बाय सुपर 35 कोचिंग इंस्टीट्यूट रीवा। नमस्कार, अपना पंच देख रहे हैं विराट के बखेली बुलेटिन पूजा के साथ। खबर रीवा से है, जहां जिला के शाहपुर थाना के अंतर्गत आवे वाले देवरा गांव में ही 31 मई के रात सुखराम साकेत के घर में बारात आई रही। वह उनके बिटिया कविता साकेत के शादी हनुमना थाना के ढाबा गौतमान के रहे वाले पवन साकेत के संगे तय भय रही। खुशी का माहौल रहा, बारात आई और जब जयमाला हुए के बारी आई तो लड़का पक्ष बिटिया वाले से 2 लाख रुपया के और एक मोटरसाइकिल के मांग करें। वह कहें कि जब तक यह उनकर मांग पूरी न हुई तो शादी न हुई, जिसके कारण बिटिया के पिता हाथ जोड़ के विनती चरवरी करें पर लड़का पक्ष नहीं माने और बारात लौटाए के लेके चले गए। आने आए हैं, मेरी शादी रही थी 31 तारीख को, फिर द्वार पूजा हुआ, द्वार पूजा होने के बाद फिर जयमाला हुआ। जयमाला में लड़का बोलता है हमको दहेज चाहिए और 2 चक्का देवाओगी, जो दहेज 2 चक्का नहीं देंगे तो हम शादी नहीं करेंगे। फिर वो सभी लोग उठा के चले गए अपने घर। ये एक बारात थी जो शाहपुर थाना क्षेत्र में आई थी और वहाँ पर रात्रि में कुछ इस तरह का विवाद हुआ, उसके कारण से मारपीट हुई। जब पुलिस को सूचना मिली, पुलिस मौके पर गई तो लड़के पक्ष के लोगों का जिस तरह से कहना था कि गाली देते हुए कि इन्होंने टेंट नहीं लगाया, गाड़ी नहीं दी और इसी तरह की विवाद आई, फिर वो बारात वापस ले गए। मारपीट का क्योंकि उसमें तथ्य आया था तो बारात वालों की तरफ से, लड़के वालों की तरफ से एक प्रकरण पंजीबद्ध किया गया लड़की वालों की तरफ से, जिसमें 6 आरोपी हैं। इसी तरह से लड़की वालों की तरफ से भी एक बंदे को कंधे में चोट थी तो उसकी तरफ से प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। आवे वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का लेके मऊगंज के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वीके लाल कहिन के पंचायत चुनाव का ठीक से पूरा करावे खातिर पुलिस तैयारी में जुटी हवे, जहां सुरक्षा खातिर चाक चौबंद व्यवस्था कीन गई हवे, मतदान केंद्रन और असामाजिक तत्वन के खिलाफ कार्रवाई कीन जा रहा हवे। इसकी हमारी तैयारी कंटिन्यू चल रही है। हम लोगों ने एक एक मतदान केंद्र को चिन्हित कर रखा है, उसमें जो भी समस्या वाले व्यक्ति हैं या जिनका कुछ ऐसा हमको सूचना मिलती है उन पर प्रभावी कार्रवाई की जा रही है और बेहतर बल प्रबंधन हो रहा है, भ्रमण हो रहा है कंटिन्यू इसमें और बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कराया जाएगा। रीमा के शिल्पी प्लाजा के बाजार में ही एप्पल कंपनी के डुप्लीकेट मोबाइल के पार्ट बाजार में ही बेचे जा रहा हमारा, एकर शिकायत कंपनी के अधिकारी सिविल लाइन थाना में जाके करे रहे। वह जानकारी लगता है बुधवार का ही शिल्पी प्लाजा में अलग अलग दुकानन में ही पुलिस दबिश दी, जहां भारी संख्या में ही डुप्लीकेट सामान मिला हवे। अपना को बता दें कि ये जानकारियां मिली है कि ग्राहक का कंपनी के नाम में ही नकली मोबाइल के पार्ट दे रहे हम। यह कार्रवाई शुरू होता है शिल्पी प्लाजा में चलाए वाली करीब 2 दर्जन से अधिक दुकानन के शटर बंद गई के ताला लगाए के व्यापारी लापता हुई गए। सर, एप्पल कंपनी की डबिश दी गई, क्या क्या माल बरामद हुआ, कितनी दुकानों में कार्रवाई की गई? कल जयपुर से एप्पल कंपनी की टीम आई थी, वहाँ के जनरल मैनेजर आए थे, उन्होंने शिकायत की कि शिल्पी प्लाजा में 3 दुकानें हैं, साईं बाबा मोबाइल, परी मोबाइल और राजा मोबाइल। ये लोग एप्पल का लोगो लगा के और फर्जी प्रोडक्ट बेच रहे हैं। उनकी सूचना पर अपने स्टाफ के साथ दुकानों पर गए, उनका सामान वहाँ पे चेक किया गया, ये एक्सपर्ट थे, इनसे चेक कराया गया तो ये बताया कि सामान फर्जी है, तो वहाँ से सामान जब्त कर थाना लाया गया और इनके खिलाफ 63 कॉर्पोरेट एक्ट 1957 की धारा 63 के तहत कायमी की गई है। रीमा माही अग्रवाल समाज भवन माही अग्रवाल समाज और अखिल भारतीय युवा अग्रवाल रीवा सम्मेलन के आयोजन करें, जहां आगजा अग्रवाल का ही मध्य प्रदेश सिविल सेवा में ही 29वीं रैंक ले आवे खातिर और सिविल जज के उपलब्धि प्राप्त कराए खातिर उनका सम्मानित करें। जी, सभी को नमस्कार, और मैं बहुत बहुत प्रसन्न हुई कि उन्होंने बहुत ही कम समय में, जैसे ही अग्रवाल समाज और अखिल भारतीय युवा अग्रवाल सम्मेलन को सूचना मिली, उन्होंने मुझे सम्मानित किया। आपने इसकी तैयारी कैसे और कब शुरुआत करी? आप अपने शिक्षा के विषय में जो है जानकारी दीजिए, ताकि आगे आने वाले बच्चे जो है उस पर जो है चल सकें और उनको मार्गदर्शन के रूप में कुछ अपने 2 शब्द व्यक्त करें। जी ज़रूर, अगर मैं शुरुआत करूं तो मेरी हायर सेकेंडरी स्कूलिंग जो है 12वीं तक वो मेरी DAV दुधिचुआ सिंगरौली से हुई थी,
मैंने वहाँ पे 11वीं 12वीं में कॉमर्स विषय चूज़ किया था। उसके बाद मैंने बनस्थली विद्यापीठ राजस्थान से 2013 से 2018 के बीच में BA LLB का 5 ईयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स किया और ये मेरा 2018 में ख़त्म हुआ और उसके बाद से ही मैं सिविल जज की तैयारी में लग गई थी और ये मेरा दूसरा प्रयास था जिसमें मेरे को सफलता हासिल हुई। इसके लिए मेरे को थोड़ी कोचिंग की हेल्प लेनी पड़ी थी तो मैं इंदौर गई थी। हालांकि मेरी पूरी कोचिंग नहीं हुई थी पर जी पूरा जैसे ही मुझे थोड़ा सा उसकी गाइडेंस मिल गई तो फिर आगे की तैयारी मैंने घर से की। जिला माही तमस नदी में नाव पलटे के कारण 3 जने बूढ़ गए रहे जिनके सवन के खोज की जाला ही बे वहाँ एक थे युवक के सब मिल गया हबे। घटना के जानकारी लगता है कलेक्टर मनोज पुष्प और पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन खलाए मौका में पहुंच के जायजा करे रहे। वहाँ कलेक्टर मनोज पुष्प नदी में हेराए वाले युवकन के परिवार वालन के ऊपर संवेदना जाहिर कई के 4-4 लाख रुपया के मदद के घोषणा करी नहीं हुए। आइए अपना को सुनाई थे समय कलेक्टर का कह रहे हम। जो दुखद घटना नाव पलटने की हुई थी उसमें सर्चिंग का काम लगातार चल रहा है। कल हम और SP साहब भी गए थे और हम लोगों ने मौके पर उसको मॉनिटर भी किया था। एक बॉडी आज सुबह मिल गई है और हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं कि बाकी 2 बॉडी भी तत्काल प्राप्त हो जाए। क्षेत्र में इसके लिए मुनादी भी कराई जा रही है और हर तरफ से सूचना संकलन का कार्य किया जा रहा है। जबलपुर से डीप डाइवर्स की टीम रीवा पहुँच गई है और अब वो घटनास्थल के लिए रवाना हो गई है। रीवा नगर पालिका से भी एक बड़ा जाल रवाना किया गया है जो वहाँ पर जो बॉडी को ढूंढने के काम में मदद करेगा। तीनों के लिए केस तैयार कर लिए गए हैं और उसमें 4-4 लाख रुपए की राशि का भुगतान तत्काल किया जाएगा। त्रिस्तरीय पंचायती राज के चुनाव के घोषणा होता है जनप्रतिनिधि बनाए खातिर होड़ लगी हबे। अपना बताया रही कि चुनाव से पहले एक दर की पुन के सफेद पोस रटे रटाए भाषण शुरू कर दी हबे। बुधवार का कई एक प्रत्याशी अपन भाग आजमावे खातिर नामांकन भरी नहीं हुए। हालांकि सड़क पानी बिजली स्वास्थ्य और शिक्षा के बारे में बात तो हमेशा की जाती हुए पे वादन के कितना पालन होते है जनता एक बहुत अच्छे से जाना थी। आप एक बड़े काफिले के साथ आज नामांकन पत्र दाखिल करने जा रहे हैं तो क्या मतलब है, क्या रूप लेके यहाँ आए हैं, क्या चाहते हैं आप? हम वार्ड क्रमांक 19 से जनता जनार्दन की सेवा करने के लिए हम पर्चा भरने आए हैं। ये भारी जन समर्थन लेके आने का क्या उद्देश्य, क्या बताना चाहेंगे आप? मैं इस जन समर्थन से ये चाहते हैं कि ये विकास में जो हम विकास करेंगे उसके बाद जीतने के बाद जो विकास करेंगे उसमें एक एक व्यक्ति का हाथ उसमें शामिल हो। आज के बुलेटिन में इतने। बघेली में खबर खातिर देखते रहिए मारविंद के बघेली समाचार। नमस्कार।